में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रीनगर में कानून प्रवर्तन एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए कश्मीर संभाग के जिलों में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर निदेशक कानून प्रवर्तन ने कहा कि विभाग के प्रवर्तन विंग का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित बिक्री आउटपुट के माध्यम से गुणवत्ता वाले उर्वरक, कीटनाशक, बीज उपलब्ध कराए जाए और हर संभव प्रयास किया जाए ताकि प्रशासन के सभी स्तरों पर किसानों के हितों की सेवा की जा सके। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजीव सातव ने ई बुक का विमोचन किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोडवाड़िया मौजूद रहे। विशेष रूप से ई बुक का विमोचन स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। परेश धनानी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गुजरात में भय का माहौल बन गया है, लोग गुजरात छोड़ने को विवश है। साथ ही कहा कि सरकार घमंडी बन गई है। इस मौके पर धनानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के अधिकारियों के अत्याचार के कारण सभी गुजराती परेशान हैं। इस मामले को लेकर परेश धनानी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राज्यपाल श्री ने मळी विनंती करी छे के संविधान थी मळेला समानताना अधिकारों नु सौ कोई सम्मान करवो जोईए अने अपुष्यता थी राष्ट्र नु अपमान करनारा कोई पण तत्व होय तो एने झेर करवा माटे सरकारे कड़क हाथे कार्यवाही करवी जोईए। वितेला वर्षोमां ए थाननो गोळीकांड होय, ऊनानो लाठीकांड होय, पाटणનો બળાત્કાર કાંડ હોય કે મહેસાણાનો અગ્નિકાંડ હોય, સરકારે સતત અને સતત આરોપીઓને છાવરવાનો પ્રયાસ કર્યો। ડીડવાનામાં ગેંગસ્ટર આનંદપાલ ગેંગ કે સદસ્યની કોર્ટમાં પેશી હોઈ। આનંદપાલ સિંહ કે ભાઈ રૂપેન્દ્ર સિંહ પાલ, દામોદર સિંહ, દેવેન્દ્ર પાલ સિંહ, તેજપાલ સિંહ, આઝાદ સિંહ ઓ બલવી સિંહ કો કોર્ટમાં પેશ કિયા ગયા। एडवोकेट जयवीर सिंह ने बताया कि 21 जुलाई 2016 को जसवंतगढ़ के पूर्व थाना अधिकारी लादूराम पर फायरिंग के आरोप में पेशी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी आरोपियों को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। इस दौरान पूरा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस अधिकारियों के साथ ही पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। कोर्ट की हर गतिविधि पर कैमरे से निगरानी रखी गई। एडवोकेट जयवीर के अनुसार मामले में सिपाही दीपक की गवाही हुई है। शुक्रवार को भी इस मामले में आरोपियों को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पुलिस को दो बाइक सवार चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरों के पास से 6 बाइक बरामद की है। बता दें पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली सफलता के बाद पुलिस टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। इससे 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे जो है जो वाहन चोरी होती रहती है शहर में, इस पर काफी अंकुश लगेगा और इनसे पूछताछ के बाद, गहन इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पे और भी जानकारी मिली कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे लोग चोरी करते हैं, कहाँ इसका डिस्पोजल करते हैं। तो ये अच्छी इन्होंने बढ़िया काम किया है। इस पर भाई नगर और सीओसीटी साहब की टीम ने इसमें इन लोगों को 20,000 रुपया जो इंस्पेक्टर एसएसपी साहब की तरफ से जो उनको अधिकृत है पुरस्कार देने के लिए मेरे द्वारा संस्तुत की जाएगी और इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत खेवली के अंतर्गत ग्राम मुतुर्जा में शादी समारोह की खुशी मातम में बदल गई। दरअसल शादी समारोह में खाने के बाद करीब 40 लोग बीमार हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं गांव में बीमारी की सूचना के बाद स्थानीय सपा विधायक धर्मराज यादव ने सामुदायिक अस्पताल का दौरा किया और बीमार लोगों का हालचाल जाना। सबसे पहले वहां क्षेत्र में जो बच्चे वहां पे थे, अच्छा, उनको हमने वहां पर इलाज दिया। वहां पर तुरंत उनको इंजेक्शन लगाए गए हैं और तुरंत उनको ORS का घोल लाया गया, दवाइयाँ दी गई। कितने लोग रहे होंगे लगभग वहाँ पर? बच्चों की संख्या, बच्चे बड़े मिलाकर करीब वहाँ से 15 से 20 लोग तो वहाँ थे और 30-40 के आसपास जो बच्चे और बड़े वो अस्पताल के लिए आ चुके थे। यहाँ पर हमने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया, CMO सर को सूचना दे दी, डॉक्टर IP वर्मा ने CMO सर को सूचना दी और बाकी अधिकारियों को सूचना दे दी थी इस संबंध में कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर तुरंत हमारी टीम एक्टिव हो गई। पहली बनी से जो हमारे रेफर कितने लोग किए गए हैं? तीन बच्चे रेफर किए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन आगे कोई उनके संग में कैजुअलिटी ना हो इसलिए वो देखते हुए हमने यहाँ पर उनको रेफर कर दिया है। और बाकी जो इसमें यहाँ मरीज भर्ती है उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने रिफाइनरी थाने इलाके के हरपुर में 31 कार्टून विदेशी शराब के बरामद किए, साथ ही कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि रामपुर पटेल चौक पर पासी टोला में
फिर दो घर में शराब बनाई जाती है। तो हम लोग कल भी छापामारी किए थे जिसमें एक संतोष नामक व्यक्ति फरार हो गया था, उसके घर से 8 लीटर शराब, अवैध चुलाई शराब बरामद हुआ था। फिर हम लोग सुबह में छापामारी किए, करीब 8 बजे 8:30 बजे के लगभग, 8:30 के लगभग हम लोग छापामारी किए, जहाँ से एक व्यक्ति को 12 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया है। और पूरा हम लोग आज दिन भर छापामारी किए हैं पूरे दिन। एक और गुप्त सूचना मिली थी कि हैरपुर गांव में वार्ड नंबर 11-12 में ये वीरेश कुमार नामक व्यक्ति शराब का स्टॉक किया हुआ है और शराब की बिक्री करता है, रिफाइनरी वगैरह में वो भेजता है। तो हम लोग पूरे टीम के साथ गए और वहाँ रेड किया तो करीब 31 विदेशी शराब बरामद किया, और बरामद शराब के साथ एक व्यक्ति को जो वीरेश कुमार नाम है, जिनका शराब है, जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम लोग शराब की बिक्री करते हैं। यूपी के रामपुर में श्री कृष्णा सेवा समिति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर में लगभग 30 से 35 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। श्री राम की सेवा समिति की तरफ से आयोजन किया गया, इसमें अभी तक 15 यूनिट हो गया, 50 यूनिट की संभावना है। हमारी संस्था से भी जुड़े हैं, अदर लोग भी आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसको सुनने में आ रहा है वो आ रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में केस को रफा दफा करने का दबाव बना रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। घटना मुफस्सिल थाने इलाके की है। बताया जा रहा है कि मामले एक विवाहिता की हत्या से जुड़ा है, जिसकी दहेज की खातिर हत्या कर दी गई थी। मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बना रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, वो बंधक बना लिया। गनीमत रही कि पुलिस के देरी से पहुंचने से पहले मॉब लिंचिंग की घटना होने से बच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों को ग्रामीणों के कैद से आजाद कराया। कहन केस उठवा देते हैं, केस उठवाइए, पहले हम केस उठवाने वाला कौन होते हैं? जिसको बच्ची को हत्या हुआ, जो एफआईआर किया, उससे बात करना होगा आपको। हम नहीं इसमें कुछ कह सकते हैं, बैठिए यहाँ पे। इतना ही आप केस उठवा दीजिए, पहले ये कोई बात हुआ हम केस उठवा देंगे। बैठिए, आप लाभ कौन है? बोला कि हम पांसारा घर है, हम मुंगेर इंस्पेक्टर हैं, बहुत ऐसा केस देखते हैं। तो अभी आया था जो कंप्रोमाइज करो, अगर नहीं कंप्रोमाइज करता है तो आप लोग को भी साथ हमला किया करेंगे। तो इसीलिए इन लोग को हम बैठा के रखे और थाना आया। ठाकी को शादी तो हो गया 3 बरस से ऊपर, 2015 छठा महीना। खबर मुरादाबाद से है, जहां कुंदर के थाने इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार धू धू कर जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार चालक गैस भरवाने लाया था, तभी सिलेंडर से अचानक चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते कार में आग लग गई। हालांकि इस घटना में एक युवक भी घायल हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बेगूसराय में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले लोगों ने NH 31 को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार एवं चुनाव आयोग के द्वारा आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा धारा 49(a), 56(b) और 56(c) धाराओं को लेकर संविधान से छेड़छाड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने अपने जेल भरो आंदोलन के तहत कहा कि अगर सरकार हमारी मांग पर गौर नहीं करती है तो 23 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आम नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जो जबरदस्ती कानून बनाया छुपा है, जो 56(d), 56(c) और 49(a) है, मैं उसके विरोध में पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। उसके बाद VVPH से जो पर्ची निकलने वाली 100% गिनती होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 का आदेश दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें कंडीशन लगा दिया कि जिस 5 बूथ का आप शिकायत करेंगे, अगर शिकायत आपकी सही है तो ठीक है, वरना आपके ऊपर 6 महीना की जेल और आर्थिक जुर्माना भी किया जाएगा। यूपी के बहराइच में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह पहुंचे। DGP का मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने बुके देकर स्वागत किया, साथ ही DGP को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं स्कूल में कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अवसर पर मीडिया से वार्ता के दौरान DGP ओपी सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में 34 पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं, जिनके प्रधानाचार्य को लखनऊ में आयोजित बैठक में बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूल के प्रधानाचार्य शामिल होंगे। लखनऊ में आयोजित इस बैठक में मॉडर्न स्कूलों को और बेहतर बनाने के विषय पर चर्चा की जाएगी। परसों जो है सभी प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुलाई है लखनऊ में, जितने भी हमारे 34 पुलिस मॉडर्न स्कूल्स हैं पूरे स्टेट में, उन सबों के प्रधानाचार्य को हमने बुलाया है
और हम पूरे दिन भर इस पर मंथन करेंगे और जो भी हमारी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा जितना भी पुलिस मॉडर्न स्कूल है, कुछ ऐसे पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं जिनको हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं और उसकी कोई वायबिलिटी नहीं है। लेकिन बहराइच जैसे जगहों में और गाजियाबाद है, लखनऊ है, इन सबों में स्कूल्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार मैं पहले भी आया था लेकिन वो बहुत ही फॉर्मल तरीके का था। इस बार मैंने अभी अपने स्कूल के टीचर्स से बात किया, प्रिंसिपल से बात किया, एसपी बहराइच से मेरी विस्तृत बात हुई, डीआईजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन सबों के राय मशवरे से हम कुछ प्लान करेंगे। इनका एक प्रपोजल है जिसमें हम कुछ धनराशि इनको देंगे ताकि आने वाले समय में हमारा ये 8th का जो क्लास है वो आगे बढ़कर 10th क्लास तक हो जाए। और जब हम 10th क्लास इसको बढ़ाएंगे तो हमें नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, हमारे कमरे की ज़रूरत होगी, लेबोरेटरी की ज़रूरत होगी, कुछ टीचर्स की भी ज़रूरत होगी। तो इन सब चीज़ों पर हमने विचार विमर्श किया है और आने वाले समय में हम इस स्कूल को और भी एक्सपैंड करेंगे और भी विकसित करेंगे। मथुरा शहर के कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला शोष करने के लिए गई और वहाँ एक सफाई कर्मी ने उस महिला से 5 रुपए मांगे। महिला से पैसे मांगना उसके पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने सफाई कर्मी की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। अरे बहन जी जा रही थी, मैंने कहा बहन जी साबन आबन मिला के रखता हूँ, आप 2 रुपए 1 रुपए जो भी दो आप दे, या साबन आबन सोडा वगैरह ला के रखता हूँ, मुझे तो कुछ है नहीं है। वो कहता है मैं मारना स्टार्ट कर दिया और क्या करूँ सर बताइए। अब प्रशासन है तो सर इसका मतलब ये थोड़ी ना सबको मारेंगे ना। ये हमारी घरवाली वाइफ यहाँ करने आई शौचालय, इसने 5 रुपए मांगे। जब हमने इसे 10 का नोट दे दिया, इसके हाथ में भी है अभी 10 का नोट, फिर मैंने 100 नंबर डाल के ये बदतमीजी करा था मुझसे, मतलब कर रही से। मैं कि तुझे ये बता सरकार पैसे देती है नहीं देती है, बोले हम तो ऐसे ही लेते हैं सबसे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना डायल 100 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। असम में HSLC एग्जाम 2019 के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। यहां लखीमपुर जिले के शंकरदेव शिशु निकेतन की छात्रा मेघाश्री ने टॉप पोजीशन हासिल की। वहीं नलबारी जिले के लिटिल फ्लावर स्कूल की छात्रा ने भी पहले स्थान हासिल किया। यहां कई जिलों के स्कूलों की छात्राओं ने टॉप रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में खुलेआम छत से फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फायरिंग के इस वीडियो में कई महिलाएं और कई पुरुषों के चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। घटना की वजह दो पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद बताया जा रहा है। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष उसके रास्ते में कब्जा करते हुए गेट लगा रहा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने छत पर जाकर तमंचे से कई राउंड फायर झोंक दिए। फायरिंग का दूसरे पक्ष ने वीडियो बना लिया। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल अब वीडियो सामने आने के बाद आनन फानन में दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले युवक को तमंचे के सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला ये सर, मैं जंगल जा रहा था, मेरे साथ मारपीट करी, जाती करी फुल इन लोगों ने, इंजन लेकर आ रहा था मेरे साथ, मतलब मारपीट करने के बाद में फिर मैंने जब घर को आवाज दिया तो घर से लोहे निकल के इन लोगों ने गोली चलाई मेरे ऊपर, छत पर खड़े होकर। क्या नाम है? इन दोनों भाइयों ने मेरे ऊपर गोली चलाई। किस चीज का विवाद है आपको जो गोली चलाई? विवाद इस चीज का कुछ नहीं है साहब, मेरा रास्ता तो आप देख लो, चले कितने परेशान हूँ। हम गए पानी चला रहे हैं मोटर, तो देखने गए तो हम पर आधा बरसाना शुरू कर दिया, उसके बाद डंडे बरसाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर तमाम चलाया, वो फाटक खोल रहे हमारे रोड में, तो हम वो रोड में मना कर रहे हैं तो वो मान ना रहे, हम फाटक लाए, हमारे फाटक पुलिस के सामने तोड़ दिया। अच्छा कितने फायरिंग करे उसने? दो करके तीसरे कर दिया था। तीसरे कर रहे? यूपी के रामपुर में दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल विवाहिता के पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और मृतका के साथ मारपीट करते थे। ससुराल वालों ने विवाहिता को फंदे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। वहीं वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। SDM साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अली नगर जागीर में एक महिला की फंदा लगने से गले में मृत्यु हो गई है। यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं और सबको परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है ताकि मृत्यु का सही कारण पता चल सके। यूपी के रामपुर में दर्जन भर किसानों ग्रामीणों ने विरोध करते हुए DM से मामले की शिकायत की।
दरअसल मामला गांव के बाहर जंगल में आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने का है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जगह आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है वो इलाका बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। ग्रामीणों ने डीएम से आग्रह किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र गांव के भीतर बनाया जाए। डीएम साहब से इस बारे में मिलते हैं कि पहले तो इसका वो प्रस्ताव नहीं, वो कह रहे हैं मैं 9 मेंबर का प्रस्ताव पर आ रहा, मैंने गांव वालों को पता नहीं प्रस्ताव का इसका प्रस्ताव इसका हुआ कि नहीं हुआ। फिर 9 मेंबर तो है नहीं, उसके पास 5 मेंबर हैं, 1 मेंबर खत्म हो गया उसमें का। जब हम सवार गए तो एडीओ साहब बोले, बीडीओ साहब बोले, साहब इसकी कोई सुनवाई नहीं, आप नखलू जाइए। प्रधान से कहा, प्रधान बोला यहाँ ही बनेगी, वो दूसरी जगह नहीं बनेगी। फिर हमने कहा गांव के बरार में ग्राम है उसमें बनवाइए आप, इसमें नहीं बनाओगे तो बोले नहीं साहब ये बनी यहाँ ही बनेगी। जाय से साहब यहाँ तो है, आप जंगल देख रहे हो कितना जंगल है, गाँव से कितनी दूरी है, यहाँ पर एक गाँव के बिल्कुल बरार में आबादी में है ग्राम। हम कह रहे हैं पूरे गाँव की मशवरा ये है कि यहाँ बन जा, मैं अपनी ये प्रधान अपनी हरकत नहीं मानने बिल्कुल भी। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 हैवानों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वो दुष्कर्म करने के बाद आरोपी पीड़ित महिला को गांव के किनारे छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवतेज टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल नवतेज टीवी ने मोराना के गांव में फैली गंदगी पर प्रमुखता के साथ एक खबर चलाई थी, जिसका असर रहा कि प्रशासन जागा और मौके पर पहुंचकर गांव को स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर विकास अधिकारी ने कहा कि अगर सफाई कर्मी काम करता हुआ नहीं पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के रुदावल के गाँव बंसलपुरा में पीड़ित पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक घर में जबरन आए और नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता के माता पिता घर पहुंचे तो बेटे के नहीं होने पर उसके गांव में तलाश की। गांव में ढूंढने पर पीड़िता नग्न हालत में मिली। पीड़िता के मुताबिक दुष्कर्म करने वाले परिचित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। जिसमें उसकी अपनी लड़की के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाना और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दिए, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर और उसका पीड़िता का मेडिकल निवारण कराया जा रहा है और अधीन कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में 1 लाख इनामी महिला नक्सली ने अपने 5 दिन के बच्चे के साथ आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि प्रसव के ठीक पहले नक्सली महिला को आलमपरस गांव के पास छोड़ गए, जिसके बाद महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया, जहां पुलिस ने महिला और मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान DRG टीम को महिला अपने बच्चे के साथ जंगल में मिली थी। अलवर दुष्कर्म घटना के विरोध में विश्व सनातन संघ ने घटना पर संवेदना जताते हुए प्रदर्शन किया और महिला सुरक्षा की आवाज उठाई, साथ ही दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेश सिंह चित्तौड़िया, शहर उपाध्यक्ष सोनू सिंह, सांगानेर विधानसभा अध्यक्ष श्रीकांत जांगिड़, बगरू विधानसभा अध्यक्ष भानु प्रताप समेत विश्व सनातन संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।